खेसारी लाल यादव आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। नमस्कार, मैं हूँ शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। खेसारी लाल यादव को दर्शक कितना पसंद करते हैं, आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि वाओ, किसी का इतना ज्यादा फैंस फॉलोइंग हो सकता है? कोई इतना प्यार कर सकता है एक हीरो से? जी हाँ, खेसारी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। खेसारी लाल यादव बिहार में धूम मचा चुके हैं और इसके बाद उनकी भोजपुरी फिल्म आतंकी जब रिलीज हुई तो दर्शकों का तांता लग गया और सिनेमा घरों में इस तरीके से लोग टूट पड़े कि बस उन्हीं के नाम की माला जपने लगे। ये हम सच कह रहे हैं और ये अगर आपको यकीन ना हो तो हम आपको अभी इन तस्वीरों को भी दिखा देंगे कि किस तरीके से लोग ये बयां कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का ये जो फिल्म है इसका सिक्वल भी आना चाहिए। तो आखिर कब आएगा खेसारी जी आपका सिक्वल? लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है। वैसे खेसारी लाल यादव बाबा भोले की भक्ति भाव के बाद भगवान कृष्ण की आराधना में जुटे और इस आराधना में फिलहाल जुटे हुए हैं क्योंकि जन्माष्टमी का वक्त है और ऐसे में वो भगवान को नहीं भूल सकते। तो जो भक्त भगवान को नहीं भूलता, भगवान उन्हें कैसे भूले? इन फैंस के रूप में प्रकट हो गए और ऐसे उन्होंने कर दी है कृपा। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कि कितनी ज्यादा फैंस फॉलोइंग है खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जैसे ही फिल्मों में आते हैं उनका और भी ज़्यादा स्टारडम बढ़ जाता है। खेसारी लाल यादव की एक फिल्म रिलीज हुई थी, आपको याद ही होगा, आतंकवादी। इसमें उन्होंने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है ये देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या ये वही भोजपुरी के स्टार हैं जो कभी रोमांटिक फिल्में करते हैं और अचानक से इस तरीके से इस वेशभूषा में उन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। यकीन मानिए, दर्शक इतना प्यार करते हैं खेसारी लाल यादव को। जिस तरीके से दर्शकों का प्यार मिला है, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है क्योंकि दर्शक बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं इस भोजपुरिया जगत के सुपरस्टार से। खेसारी लाल यादव की बहुत सारी फिल्में आईं, उनमें सबसे ज़्यादा हिट ये फिल्म हुई है। तमाम दर्शकों की राय सामने आई है और उन तमाम दर्शकों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मांग की है कि ये जो आतंकवादी फिल्म है इसका सिक्वल बने। क्या वाकई में खेसारी लाल यादव इस फिल्म का सिक्वल बना पाएंगे? क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से तमाम हीरोइनों के साथ काम किया और उसके बाद उनका सपना चौधरी के साथ भी जिस तरीके से महा मुकाबला हुआ, ये सब काबिले तारीफ रहा। खेसारी लाल यादव ने कई फिल्में की जिसमें कि उनका बहुत ही अच्छा रोल रहा, लेकिन इस बार जो उन्होंने रोल निभाया है वो तो बहुत ही धांसू रोल है और इस रोल को तमाम दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव की कई फिल्में जो रिलीज़ हुई हैं उसकी अगर हम बात करें तो मुकद्दर एक फिल्म आई थी, मुकद्दर की सिकंदर में भी वो नज़र आए थे, दबंग सरकार उनकी बहुत अच्छी फिल्म है, और खिलाड़ी, इसके अलावा नाग देवता, और संघर्ष में तो उन्होंने गजब का रोल निभाया था। इसके अलावा आतंकवादी जो ये फिल्म आई है इसको लेकर अब दर्शकों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इसका सिक्वल बने। किस तरीके से दर्शक अब इसकी मांग कर रहे हैं ये आप खुद देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो देखिए कैसे दर्शक सिनेमाघरों के समक्ष जब ये फिल्म देखकर निकले तो बाकायदा कह रहे हैं कि इसका सिक्वल भी बनना चाहिए, आतंकवादी 2 आना चाहिए। देखिए आप ये वीडियो के किस तरीके से दर्शक यहाँ पर इस फिल्म के सिक्वल बनाने को लेकर मांग कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे और चाहते हैं कि उनके फिल्म आतंकी का दूसरा भी सिक्वल बने और सब लोग देखें, क्योंकि ये लोग सिनेमा घरों में खेसारी लाल यादव को उस रोल में देखकर बहुत खुश होते हैं। वैसे आपको पता है ना, खेसारी लाल यादव ने अपने लिए पूरी तैयारी की थी और उनका उस रोल में रियल में हो चुका था और वो सिपाही भी बन चुके थे देश के लिए और देश की सरहद पर जाकर देश की सेवा भी कर रहे थे, और कुछ महीने के बाद उन्होंने अपनी गायकी और कलाकारी के लिए देश की सेवा छोड़कर यहाँ पर आ गए। वैसे समाज सेवा और देश की सेवा
वहां रहकर भी की जा सकती है और देश में रहकर भी की जा सकती है। तो उन्होंने कलाकारी को चुना और उसके बाद समाज सेवा भी खूब करते हैं, तभी तो उन्हें बिग बॉस में जाने का जब पूछा गया कि आप जाने वाले हैं तो वो सीधे सीधे कहते हैं, देखिए भैया अब ऐसा बा कि हम बंध के रहे वाला नहीं थी और जब हम बंध जाएं तो फिर हमार काम ना हुई, कहे कि हम बुजुर्गन के पास जानी, हम तमाम लोगन के पास जानी तो हमार चलत फिरत रहे के काम बा और वहाँ 3 महीना जाके हम कैसे रहब इस सोच के हम बड़ी परेशान बानी। खैर बिग बॉस में जाएंगे या नहीं ये तो बिग बॉस सीजन शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 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 क्या सिक्वल बन पाएगा? खेसारी लाल यादव से ये सीधा सवाल हमारे दर्शकों का है कि आखिर कब आएगा आतंकी 2 और आतंकी 2 को लेकर सबके दिलों में कितना उत्साह है, कितना उमंग है आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही थी कि किस तरीके से लोग चाह रहे थे कि खेसारी लाल यादव का जो ये फिल्म है उसका सिक्वल भी बनकर आए। तो उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव इस गुजारिश को सुनेंगे और लोगों की डिमांड पर ले आएंगे आतंकी 2। तो जल्द ही हो सकता है कि इस पर कुछ तैयार किया जाए खेसारी लाल की तरफ से और नेक्स्ट 9 भोजपुरिया की यही शुभकामना है कि खेसारी लाल यूं ही आगे बढ़ते रहे और यूं ही ट्रेंड में रहे, फैंस फॉलोइंग यूं ही बरकरार रहे और दर्शकों का प्यार मिलता रहे। हमें दीजिए इजाजत लेकिन अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। नमस्कार।